हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विभोर बाकलीवाल, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ टाइम्स फिजियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर शियाटिका। दोस्तों, शियाटिका एक कॉमन प्रॉब्लम है जो शियाटिक नर्व रूट या शियाटिक नर्व के कंप्रेशन से होती है। शियाटिक नर्व रूट का कंप्रेशन होना या शियाटिक नर्व का कंप्रेशन होना, इसके कई कारण हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है हर्निएटेड डिस्क, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन। दोस्तों, हमारे क्लिनिक पर बहुत सारे शियाटिका के पेशेंट आते हैं जो हमें बताते हैं कि उन्हें बहुत ही इंटेंस पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, कभी कभी नंबनेस भी देखने को मिलती है, टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शियाटिका का दर्द है, ये सबसे पहले हमारे कमर से स्टार्ट होता है, बैक से स्टार्ट होता है ये दर्द, और कमर से होके ये एक तरफ के बटक तक जाता है पीछे की तरफ। वहाँ से फिर ये पेन रेडिएट होके नीचे थाई में आता है पीछे की तरफ, और थाई से फिर ये जो दर्द है पूरा हमारे लोअर लेग तक जो है पेन महसूस होता है। कमर में आएगा, कमर से स्टार्ट होगा, कमर से एक तरफ के बटक में जाएगा, बटक से नीचे की तरफ जाएगा थाई में, और थाई से फिर पूरे पैर में जो ये दर्द है महसूस होता है। तो 95% तक जो शियाटिका की प्रॉब्लम है ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है। 5% कुछ ऐसे केस होते हैं जिन्हें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं जो एक्सरसाइज आज आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपने डेली सुबह शाम नियमित रूप से रोज़ 30 से 40 मिनट अगर एक्सरसाइज को किया, तो 90% तक जो आपका शियाटिका का दर्द है ये घर पर एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आज लेके आया हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, स्ट्रेचिंग ऑफ काफ एंड हैमस्ट्रिंग मसल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, उसके बाद अपने दोनों नीज को बेंड करना है। मान लीजिए किसी को राइट साइड में शियाटिका है, अपने दोनों हाथों से ग्रिप बनाकर अपनी थाई को नीचे से होल्ड करना है और धीरे धीरे अपने लोअर लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद आप पंजे को नीचे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसा करने से आपको काफ और हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को या खिंचाव को आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद अपने पैर को नॉर्मल पोजीशन में वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 5-5 रिपीटेशन दोनों पैर के लिए करना है विथ 10 टू 15 सेकेंड होल्ड के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2, सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, उसके बाद अपने दोनों नीज को बेंड करना है, दोनों हाथों से नी को पकड़कर अपने चेस्ट की तरफ सीधे लेके आना है। ऐसा करने से आपको स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 10 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद अपने पैर को आप नॉर्मल पोजीशन में वापस ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर के लिए करेंगे। 10-10 रिपीटेशन करना है दोनों पैर के लिए। एक्सरसाइज नंबर 3, रोटेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे लेटना है, उसके बाद अपने दोनों नीज को बेंड करना है, फिर आप राइट लेग को अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ के अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कंप्लीट रोटेट नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा उसको स्ट्रेच देना है। जब आप नी को अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपको ग्लूटियल रीजन में, राइट ग्लूटियल रीजन में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद
फिर नॉर्मल पोजिशन में वापस आ जाना है। ये एक्सरसाइज हम दोनों पैर के लिए करेंगे, 10-10 रिपीटेशन दोनों पैर के लिए करना है विथ 15-20 सेकेंड होल्ड के साथ। एक्सरसाइज नंबर 4, ट्रंक रोटेशन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले सीधे लेटना है, उसके बाद आप दोनों नीज को बेंड करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके दोनों नीज के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों नीज को साथ में रखना है चिपका कर। फिर आप दोनों नीज को साथ में राइट और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। जब आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे उस पोजीशन को 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे और उसको 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, पीरीफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, उसके बाद अपने दोनों नीज को बेंड कर लें। अगर राइट साइड को स्ट्रेच करना है तो अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों से लेफ्ट थाई को पीछे से पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। ऐसा करने से आपको राइट ग्लूटियल रीजन में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे। ये स्ट्रेच आपको दोनों पैर के लिए करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पैर के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 5 बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज सीखी जो हम शियाटिका में कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले एक बार आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि आपको शियाटिका का पेन हो सकता है कि आपको नॉर्मल बैक पेन हो या कोई और पैथोलॉजी भी हो सकती है। तो एक्सरसाइज को जब आप स्टार्ट करें तो आपको कोई इंटेंस पेन हो या कोई भी डिसकम्फर्ट फील हो तो आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ज़रूर इस प्रॉब्लम को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much.